बैक टू द चैनल। तो आज एक इस चैनल पे नया होने वाला है और आज का जो वीडियो है मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करने वाला हूँ। तो उसको तो अनबॉक्सिंग मैं पहले कर दिया था, अभी मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। आज का जो प्रोडक्ट है मैं जिसका रिव्यू करने वाला हूँ वो है ये, और ये एक इंजन ऑयल है लिक्विड ओली का, जो मैं अपनी V3 में डालने वाला हूँ। पहले मैं यमा ल्यूब यूज़ कर रहा था, 10W40 का आता था जो स्पोर्टी प्रीमियम है, और मैं अभी लिक्विड ओली पे इसीलिए स्विच हुआ हूँ क्योंकि यमा ल्यूब का जो लाइफ पीरियड था वो 3000 किलोमीटर था, जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा गाड़ी भी 11000 किलोमीटर कम्प्लीट कर चुका है, तो अभी मैं इसको लिक्विड ओली को यूज करूँगा, फिर उसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। और इसका रिव्यू मतलब गाड़ी में यूज़ करने के बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या क्या एनहांसमेंट होता है, उसका एक अलग वीडियो आएगा, वो शायद 7 से 10 दिन चलाने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो आज अभी चलते हैं जल्दी से, इसको डालते हैं अपनी V3 पे, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस मिलता है, इनिशियल परफॉर्मेंस कैसा मिलता है। अब इसको डालने के बाद हम देखेंगे। भी है लिक्विड ओली का 10W40 स्ट्रीट रेस, और ये लिक्विड ओली का मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर होता है, ये बाहर से इंपोर्ट होता है। चलो जल्दी से इसको अपनी बाइक में डालते हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। Cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though. Cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama. But I'm not ready to give in.